तो जी आप सब सोचते हैं कि बच्चे मेरे लड़ाई नहीं करते, इनकी लड़ाई इस तरीके की होती है, हैं? आज तो कृष्णा ने नहा के तेल भी नहीं लगाया बालों में, सुबह ही तेरे उठने से पहले नहा लिया था वो। तो जी बच्चे आज कह रहे हैं कढ़ी चावल खाने के लिए, पहले ही बोल रहे थे, मतलब ऐसे ही पूछ रही थी अभी तो मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल, और क्योंकि नवरात्र हैं तो प्याज वगैरह नहीं डालूंगी मैं, सिंपल तड़का लगाऊंगी। दिक्कत ये है कि सब्जी वगैरह नहीं कुछ भी है घर में, इनका टाइम नहीं लग रहा लाने का, इनका घर आने का ही नहीं लगता सब्जी लाने का, तो कहाँ से। तो फ्रिज में मतलब वो नहीं है, क्या बोल लग रहे हैं उसे, मतलब अदरक वगैरह कुछ नहीं है, हरी मिर्च 5-4 पड़ी वो डाल दूंगी छौंक में, तो जो है धनिया जीरा मेथी जो डले वो तो डलेगी ही, बस प्याज नहीं मैं डालने की, बाकी सिंपल बनाऊंगी। तो जी चलिए लगते हैं, और आज है चौथा नवरात्र माता कुष्मांडा जी का। ये जो है ना हमारी फोटो, इसमें नवदुर्गा है, तो वैसे अगर नहीं याद रहता ना तो देखो ऊपर पहली माता जी हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी जी, चंद्रघंटा जी, कुष्मांडा जी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ, सिद्धिदात्री माँ, और ये बीच में जो है ये महालक्ष्मी माता है, और उधर जो है ये गाय माता का है। और कहते हैं ना कि गाय में हमारे 35 कोटि देवी देवता होते हैं, तो इसमें दिखाया हुआ है कि माता जी के कौन से हिस्से में कौन से भगवान जी होते हैं, किसी दिन इसको आराम से दिखाऊंगी। और एक मैं सोच रही कि मतलब जब नए घर में जाएंगे ना, हाँ बेटे, तो वहाँ पे जो वो है ना, बेटे अच्छी तरह क्लीन करो, पियो अच्छी तरह, नहीं हुआ बेटे वो, एक मिनट मेरी बात सुनो, कृष्णा इधर सुनो, उस वाले पेज पे तो आपको ड्राइंग करनी भी नहीं, उस पे तो वैसे भी नहीं मैडम करवाती, उस वाले पेज पे ड्राइंग, पीछे ना गिर जाइए बाबू। बेटे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब ये बेड क्लीन करो, किताबें कृष्णा की उसमें रखो, अपने आप यूज नहीं करनी कृष्णा की कोई भी चीज, अपनी अपनी चीजें यूज करो, सबको अलग अलग दिलवाई हुई बेटे सारी चीजें, है ना, अलग अलग है ना सबके पास, तो अपनी अपनी चीजें यूज करो। पैन देख लो, देख लो, देख लो, ये देख लो, ये हाल है इनका, गिर जाएगा बेटे, देख 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 ये देख, ये हाल है इनका। हेलो, सिर लग जाएगा, चल उधर हटो। हाँ तो मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं ये सोच रही, जो वे है ना प्रेमानंद जी महाराज, तो उनकी फोटो भी बनवानी इतनी बड़ी, तो फोटो है मेरे पास कई, उनमें से सोच रही मैं एक बनवाएंगे, और फिर वहां पे जहाँ मंदिर होगा ना ऊपर बड़ी फोटो लगाएंगे। हाँ कर ले जा, कर ले, शोर नहीं करना बस। चलिए जी बातें होगी बहुत सारी, मैं कर लेती हूँ अब खाना बनाने की तैयारी। तो जी लगी हूँ मैं काम पे, और ये मुझे लग रहा है दूसरे या तीसरे शायद बाद के नवरात्रे का वीडियो है, और मैं अपलोड नहीं कर पा रही, उसका रीज़न मैंने आप सभी को अभी लाइव में बताया ही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ काम प्रॉपर, कोशिश बहुत कर रही हूँ और कई बार चीज़ समझ में आ जाती है पर फिर मन थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने चावल भिगोए हैं, और क्योंकि नवरात्रे हैं तो प्याज वगैरह नहीं डालनी, तो मैं सिंपल तड़का लगाऊंगी इसमें, और मैं पहली बार इस तरीके से बना रही कढ़ी, मतलब बिना प्याज के इससे पहले कभी मैंने बनाई नहीं है, तो पहली बार देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं बनेगी भी कैसे, क्योंकि रहता ना एक मन में कि पता नहीं कैसे। तो और बच्चों के भी आप सभी लोग मुझे बोलते हो कि दी आपके बच्चे नहीं लड़ते, हमारे बच्चे तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आपने हमारे बच्चों की देखी नहीं, हमारे बच्चों का बस ये है कि हाथ पैर इतने नहीं चलते पर इनके मुंह बहुत चलते हैं, ये क्या करते हैं छेड़छाड़ करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि ये छेड़ करते हैं, हमारी पीहू क्या है वो छेड़ करती है, और रूही भी, पीहू छेड़ करेगी तो रूही चिढ़ेगी और रूही छेड़ करेगी तो पीहू चिढ़ेगी, और ये कृष्णा ये ऐसा है, इसे तो बस रोने का बहाना चाहिए कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, और जब इसकी खुद की मर्जी होगी तो सारा कुछ दे देगा, लेकिन जब इसकी मर्जी नहीं होगी तो फिर किसी ने जरा सा कुछ कर दिया तो इसका रोना शुरू, फिर इसका ऐसा होता है। तो आप लोगों को क्या लगा था कि हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, हमारे घर में हर तरह की लड़ाई होती है, वो चाहे बच्चों वाली हो बड़ों वाली हो कैसी हो, क्योंकि भले ही हम सोशल मीडिया पे हैं लेकिन है तो एक आम इंसान ही सभी की तरह, तो जैसे सबके घर में चलता है वैसे ही हमारे घर में भी हर तरीके से मनमुटाव भी चलते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं,
पर हमारा ये है कि हमारे लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते। कोई भी एक अगर अपनी तरफ से कोशिश करे या पहल करे या जैसे भी, तो वो चीज़ हो जाती है सॉल्व, और उसके थोड़े दिन बाद दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ मैटर सभी का ही, तो कुछ ऐसा ऐसा सा है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि हमारे घर में नहीं होती। एक नॉर्मल फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो जो चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे घर में होती हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत भी है। जब हमारे बड़े कहते थे कि जहाँ दो बर्तन हो वो खड़कते ही हैं, तो कुछ ऐसा सा है। तो खैर देखिए, मैंने कढ़ी का घोल भी घोल दिया, पकौड़ियों के लिए भी घोल दिया, और अब मुझे लगाना है, लगाना नहीं है, बनानी है पकौड़ियाँ। तो कढ़ाई को मैंने धो के रख दिया है, और इसका जब पानी सब जब तक सूख जाएगा तब तक मैं छौंक की भी तैयारी कर लूँगी। तो तेल मैंने डाल दिया है। वैसे तो प्याज डालते तो ज़्यादा तेल लग जाता है, लेकिन प्याज नहीं डालनी, तो बाद में से इसमें से मैं ज़्यादातर तेल निकाल दूंगी। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं छौंक की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हरी मिर्च थी जो कि लाल हो गई है, उनको मैंने दो तीन को काट लिया। दो तीन मैंने ले ली है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, छौंक की मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी दाना, और बाद में हींग डाल लूंगी, तो इसी का ही मैं छौंक लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया था, तो मैं बनाने लगी हूँ पकौड़िया। और पकौड़िया मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, जितनी मुझे चाहिए उससे ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चे मेरे पसंद करते हैं, तो मैं फिर बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैं बच्चों को दे देती हूँ, और कुछ मैं बनाने का मतलब पकड़ी में डालने के लिए रख देती हूँ। सॉरी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बीच में मेरे फ़ोन की, तो मेरे फ़ोन पे एक कॉल आ रही है, तो मैं सोच रही थी पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों मतलब फ़ोन को अटेंड करूँगी। तो इधर चावल भी मेरे हो गए थे, पानी पक गया था, तो इनमें से भी मैंने डाल दिया है। और क्या बोलते हैं, चावल भी मतलब डाल दिया, उधर पकौड़िया भी बन गई, और थोड़े से चावल मैंने रख लिए हैं क्योंकि वो मुझे बाद में फिर कढ़ी के तड़के में डालने हैं। तो और उसके बाद मैं नॉर्मल, तो जी पकौड़ी बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है। अभी भी ज़्यादा ही लग रहा था वैसे तो मुझे, पर यहाँ पे देखिए मैंने पहले हींग डाल दिया, उसके बाद जो सारे मैंने ये धनिया मिर्च नमक जो भी था ये कर दिया इकट्ठे। और कढ़ी का घोल मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं पहले ही उसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ। उसके बाद जो चावल मैंने रखे थे वो भी डाल दिए, और थोड़ा सा पानी, और ज़्यादा नहीं मैं बना रही थी कढ़ी, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बना रही थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए इधर चावल भी हो गए, होने लग रहे हैं, और इधर मैं जो बच्चों को दे के आनी थी वो मैं दे आई हूँ पकौड़िया। बाकी काफ़ी सारी हो जाती है, बच्चे हमारे ऐसे तो खा लेते हैं पकौड़िया, लेकिन कढ़ी में डली हुई नहीं खाते वो, मैं और पीहू के डैडी खाते हैं, और पीहू के डैडी को बिना पकौड़ी की कढ़ी नहीं अच्छी लगती, तो कढ़ी में पकौड़ी डालने भी फिर ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बिना पकौड़ियों की भी कौन सी कढ़ी, तो इसीलिए उनकी वजह से भी मैं पकौड़ियाँ डालती हूँ, नहीं तो ये होता है कि कई बार चल जाता है काम बिना पकौड़ी के। तो चावल बन गए हैं, इधर कढ़ी को मैं उबाल आने लग रहा है, और उबाल आते ही ये जो पकौड़ियाँ हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी, और मैं ना इनको थोड़ा सा तोड़ देती हूँ जिससे कि जो कढ़ी है वो इनमें अंदर चली जाए, नहीं तो वो फिर बाद में ना मुझे ऐसा लगता है कि वो साबुत के साबुत रहते हैं, उनमें अंदर कढ़ी जाती ही नहीं पकौड़ियों में। तो इधर देखिए मैंने आटा भी लगा दिया है, कढ़ी को मैं रख दूंगी दूसरी गैस पे, तो जब तक कढ़ी पकती रहेगी मैं अपनी चपातियाँ बना लूंगी, पाँच चार जो इनके लिए बनानी है, बच्चों के लिए और इनके लिए। तो पीहू को और पीहू के डैडी को, इन दोनों को रोटी जरूर चाहिए, रूही और कृष्णा का ऐसा नहीं है, उनको चावल चाहिए होते हैं, तो पर इनके लिए बनानी पड़ती है, पीहू के लिए और इसके डैडी के लिए। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी फटाफट बन गई हैं, इधर कढ़ी भी पक गई है, तो ज़्यादातर काम अपना हो ही जाता है फटाफट फटाफट करके। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दिया खाना, और क्योंकि कढ़ी में प्याज वगैरह नहीं डल रही थी, तो मैंने कान्हा जी को भी वही भोग लगा दिया था। और जितनी मतलब मैं यहाँ पे शांत दिखती हूँ ना, मन में अंदर उतनी ही उथल पुथल चल रही होती है। आप लोग भी कहते हैं कि दी आप चुप ही रहते हो, बोलते नहीं। और अभी जब कुछ उस दिन गेस्ट आ रहे थे ना उधर भी, आप लोग कुछ एक दो लोग बोल रहे थे कि इंदु की शायद उन्होंने तारीफ नहीं करी, इसलिए इंदु मुंह लटका के बैठी। असल में मैं इतनी भुक्की भी नहीं हूँ किसी की तारीफ की, मैं सही में बताऊँ। देखिए जिनको जो कहना होता है मन से या जैसे भी, वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए स्पेशल कुछ बोल लेंगे। हाँ उन्हें जो मुझे कहना था वो उन्होंने मुझे कह दिया था, ऐसा नहीं है, पर मैं चुपचाप इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं इस टाइम पे। जितना भी मैं बोल सकती थी राजी खुशी पूछ लिया या कुछ,
फिर मुझे क्या होता है कि वहां पे बड़े बैठे थे, आशु बैठी थी, जिज्जा जी बैठे थे, जब वो बात कर रहे थे तो मेरा बीच में बोलने का मुझे नहीं लगता कुछ मतलब बनता है। हाँ कोई वहां ना हो तो फिर तो मेरा बोलना बनता है, देखिए मुझे पूछना पड़ेगा कहना भी, पर अगर वहां पे कोई और है तो मैं बहुत कम बोलती हूँ। तो प्लीज हर चीज को नेगेटिव वे में मत लेके जाया कीजिए। तो खाना बन गया है यहाँ पे, खाना बन गया था, 1 बजे तक बन ही गया था, 1-1:15 बजे तक। फिर गांव में से मम्मी का फोन आ गया, सास का, तो बच्चे खा रहे थे खाना और ये देख लो, ये आज ही फैस बनेगी हेयर स्टाइल। मैंने इसकी लिपस्टिक हटा दी हाँ ये क्यों हटाई बेटे, होल लगा हुआ ठीक है इसके? अच्छा ना। ये तो नहीं करी छुट्टी इसकी, कल को स्कूल जाना, अपने बैग बुक लगा लो, ये तो काम फिर कर लियो बेटे आराम से। चल पहला खाना खा, चल कैसी लग रही है, और तू कैसा लग रहा, सोता सुंदर ऐसा। चल रूही खाना खाओ चलो। और जी हाँ चल खाना खा, मैं जाती हूँ लेने के लिए दूध, क्योंकि दूध नहीं है आज। और पियो के डैडी को 12 बजे से भी पहले ही फोन करा था, उन्हें बताया था मैं का दूध नहीं, तब वो कहने लगे कि थोड़ी देर में आ रहा, फिर उसके बाद कस्टमर आ गए होंगे दुकान पर, तब तक नहीं आए मैं। फिर अभी भी पूछा मंगा कितना टाइम लगेगा कि आधा घंटा, अब आधा घंटा बोल रहे तो 1-1.5 घंटा मान के चलो उनका कितना ही टाइम लगेगा। तो बस मैंने कहा चल मैं ही जाके लेके आती हूँ दूध, लेके आती हूँ, और अगर केले मिल गए तो केले ले आऊँगी, नहीं तो दूध ला के फिर चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि इस टाइम भूख सी लग जाती है। तो चलिए जी मैं चलती हूँ फिर। तो जी ये हो गया था शाम का टाइम, बाल वगैरह मैंने बना लिए थे अपने, तो बर्तन देखे कितने सारे हो जाते हैं, कढ़ी वगैरह कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो इनमें ज़्यादा बर्तन होते हैं, और जिसमें जो मतलब जिनका मैं यूज करती हूँ ज़्यादातर बर्तन मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ, ये नहीं है कि मैं मतलब सिंक में डाल देती हूँ। और उधर मेरी बुआ जी का फोन आ रहा था शायद, जब मैं उधर मेरा फोन रखा है ना तो मेरी बुआ जी का या किसी का फोन आ रहा था। तो ज्यादातर जो मैं बात करती हूँ किसी से भी, मैं काम करते करते करती हूँ, मैं ऐसा नहीं अब तक कि मैं बैठ के आराम से बात करूँ, या मैं कुछ अगर मुझे किसी से भी बात करनी है तो मैं जब काम करती हूँ तो मैं तभी उनसे बात करती हूँ, तो बात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो पीहू है वो बनाने लगी थी बनाना शेक, इसको पता नहीं क्या लग रहा कि बस जब सारा दिन इसका क्या रहता है, मम्मा बनाना शेक बना लूँ, मम्मा बनाना शेक बना लूँ, बस इसका ये रहता है। तो खैर चले बच्चे हैं, कई बार किसी चीज़ का ना ज़्यादा होता है, और जब इनको लगातार देखते रहो ना फिर मन भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने मांझ लिए हैं, और उसके बाद पीहू के डैडी का शायद फोन आया था, उसके बाद नहीं आया था, वो जब पहले आए थे ना खाना खाने के लिए दिखे, तब वो बोल के गए थे कि किसी का फोन आया था और वो आएंगे, तब तक ये नहीं पता था हमें कि कौन है, पर वो बता के गए थे कि आएंगे वो और इस टाइम तक आ सकते हैं, तब तक देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लूंगी, अब कंफर्म भी नहीं होता है, कई बार ये होता है कि बोल देते हैं फिर आते भी नहीं या कैसे भी। तो मैं अपने काम पे थी, मैंने कहा चलो कोई आता है तो अच्छी बात है मैं चली जाऊंगी, बल्कि मैंने यही बोल रही थी, मैंने कहा पियू के डैडी इधर लेके आना, तो ये कहने लगे कि देख लेंगे जैसे भी होगा, तो उधर नजदीक पड़ जाता है दुकान से तो इतनी दूर से कैसे लेके आए, इधर आगे गलियां भी इतनी तंग है यहाँ पे कि गाड़ी वगैरह आती नहीं, दूर पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो जी देख लो जैसे सही लगेगा। तो यहाँ पे मैं अपना जब काम पे लगती हूँ फिर तो मैं अपना करके ही हटती हूँ, तो कपड़े थे यहाँ पे मैं उनको भी तय कर ले रही हूँ, और उसके बाद प्रेस भी करनी थी, लेकिन प्रेस के कपड़े करने से पहले ही इसके डैडी का फोन आ गया था कि आ गए वो, तो बस मैंने कहा चलो चलिए, बाल बूल तो मेरे बाए हुए ही थे मेरे ना, पता नहीं कुछ सिर में ही दिक्कत हो रही है या क्या हो रहा है, जैसे मैंने बाल ऊपर बांध रखे ना ये और लटक सी रहे नीचे यानी कि सर पे, तो मेरा ना सर दुख रहा बहुत, मतलब सर पे बालों का भी वजन मेरे रुक नहीं रहा, और इसीलिए मैं हल्की सी ही ढीली चोटी कर रही हूँ, ढीली सी ही, या बाल भी मैं ढीले से ही बांधती हूँ, क्योंकि पता नहीं सर में ही कुछ हो रहा क्या कि बिल्कुल भी वजन होता ही नहीं सिर पे, ये जो बाल लटक रहे हैं ना ये इतना तंग कर रहे थे, फिर मैंने इनको खोल के फिर मैंने वैसे ही बाल तो बांधे जी मेरा ढीले काम से निपट करके। गया सारा, ये वाले प्रेस के कपड़े रह गए, करनी तो मुझे प्रेस ही थी। पियू के डैडी का आया है फोन, वो आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि उधर जाना है, उधर भी क्यों जाना, वहाँ पे आ रहे हैं कोई मिलने के लिए आ रहे हैं, सब्सक्राइबर ही हैं आप ही, आप ही लोगों में से हैं कोई जो आए हैं मिलने के लिए, तो मैं उन्हें बोल भी रही थी, मैंने कहा इधर ही आ जाओ, फिर वो कहने लगे कि उनको उधर के ही लिए का कहा हुआ, तो वो उधर ही आ भी गए शायद, अभी फ़ोन आया उनका और वो आने लग रहे लेने के लिए। तो पीयू और मैं ही हैं यहाँ पे, रुई और कृष्णा तो चले गए थे, तो बस वैसे तो वो पहले भी बोल के गए थे कि आएंगे वो, मैंने उन्हें तब भी बोला था, मैंने कहा ले आइयो इधर, तो
तो बस उन्हें यह था कि भाई दोनों से ही मिलना, अब चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, और हमेशा की तरह मैं ही जा रही हूँ, क्योंकि बस पता नहीं क्या कारण है उसका कि मुझे ही जाना पड़ता है। खैर जो भी है, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं मिलने के लिए, दुख समझ रहे हमारा, उसमें शामिल हो रहे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप जब वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं हम लोगों के लिए, तो यहाँ से वहाँ तक तो मैं भी जा ही सकती हूँ आप लोगों के लिए, इतना तो अपना भी बनता ही है। तो खैर अभी बस ये प्रेस के कपड़े रह गए थे, प्रेस ही सोच रही थी करने की, बस फिर अब उनका फ़ोन आया कि मैं आ गए और मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो कपड़े वगैरह तो मेरे ठीक है, मैंने चेंज कर दी कुछ भी, सब ठीक है, क्या चेंज करना, मैं मन ही नहीं करता जब इतना कुछ। तो जो भी है, खैर चलिए जी, बस फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी, कोशिश करूंगी अगर मैं उधर सूट कर पाई तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उधर की वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा वो देखने के लिए। ये पाई पे झुक रहा क्या बेटे, मैंने अभी ध्यान दिया। अच्छा हाँ, ये तो ये निकल रही है बीच वाली, मैं सोच तो रही मैंने कि यहाँ से बीच में से झुका हुआ था, अभी देखा मैंने इधर की साइड से होगा वैसे उधर कर दो। और ये देखो आज ये वाली जो आंटी है ना, वो रुई लग रही थी जब, ये देखो इसका श्रृंगार कर रखा उसने, ये हेयर स्टाइल बनाया उसने इसका रुई ने, पता नहीं कैसा कैसा करके क्या करके बना रखा, आगे चोटियाँ भी बना रखी इसकी, और मेकअप भी करा इसका उसने, फिर ब्लश वलश सारे लगा रखे बिंदी सिंदी। तो खैर चलिए जी, बस फिर अब रोकती हूँ वीडियो, यहीं पे ही मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।